दोस्तों वेलकम बैक टू एज सॉफ्टटेक एकेडमी और आप सीख रहे हैं मीडिया क्वेरी। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया कि मीडिया क्वेरी क्या है और कैसे उसमें वो मीडिया क्वेरी काम करता है। उसका बेसिक मैंने दिखाया कुछ एग्जांपल से कि डेस्कटॉप में कैसे काम करता है और मतलब अलग अलग स्क्रीन की साइज के साथ किस तरह से वो बिहेव करता है। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कस्टम क्वेरी लिखना ही पड़ता है, हर जगह पे बूटस्ट्रैप काम नहीं करता है, या बूटस्ट्रैप है भी तो उसके अंदर भी कई बार हमें कस्टम क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो ऐसे केस में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप एक थ्री कॉलम्स का मीडिया क्वेरी के साथ में आप उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो वापस चलते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल में। पिछले वीडियो में मैं ये वाला एग्जाम्पल दिखाया था आप लोगों को। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा हटाते हैं, डिलीट करते हैं और एक कंटेनर हमने लिया, यहाँ पे पहले से था ही, कंटेनर को रहने देते हैं और बाकी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे हटाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे तीन कॉलम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, DIV और DIV। ये हो गया हमारा, इसका नेम दे देंगे हम लोग, तीन कॉलम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका नेम दे देंगे क्लास लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे देंगे क्लास राइट, सॉरी क्लास लेफ्ट, क्लास राइट, और यहाँ देंगे क्लास सेंटर सेंटर। ठीक है, तीन क्लास हमने लिया, लेफ्ट साइड सेंटर साइड और ये हो गया राइट साइड। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहां पे जो हमने नेम दिया था पहले, कंटेनर तो है ही हमारा, देखो ये क्लास कंटेनर, अब ये तीन डीआईवी हमने लिया है, अब ये तीनों डीव को क्या करेंगे हम लोग, इसका नेम देते हैं लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट, इसका नाम देते हैं राइट और इसका नाम दे देंगे सेंटर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग विड्थ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल हम लोग हटाते हैं और यहां पे लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि विड्थ अगर 100% है तो हम लोग 20% इसको विड्थ को ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा विड्थ लेफ्ट का 20% और फ्लोट लेफ्ट। फिर राइट को लिखेंगे, राइट में हम लोग ले लेते हैं विड्थ, इसमें भी 20% लेकिन यहाँ पे फ्लो राइट, और सेंटर में विड्थ हो जाएगा रिमेनिंग मतलब 60% यहाँ पर, और फ्लोट फिलहाल इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 60%। एक चीज और करते हैं हम लोग, इसमें बॉर्डर भी लगा देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर सॉलिड और रेड, ताकि पता चलेगा हम लोग को। और यहां पे हम लोग इसको कर देते हैं ब्लू और इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ग्रीन, ये तीन हमारा बॉक्स हो गया। ठीक है, लेफ्ट राइट, अभी मीडिया क्वेरी को बोलते हैं हम लोग, फिलहाल ऐसे ही देखते हैं विदाउट मीडिया क्वेरी, फिर मीडिया क्वेरी को हम लोग के पास आएंगे। मीडिया क्वेरी में हम लोग बाद आते हैं, पहले ऐसे ही देख लेना कि ये हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विड्थ हमारा 100% दिया हुआ है पहले ऊपर में, उसका कंटेनर का मीन हाइट 600 दिया हुआ है। नाउ लेट्स, अच्छा इसका नाम मीडिया ही रख दिया हमने, एक्चुअली मैं फाइल दूसरी बनाने चाह रहा था, नो प्रॉब्लम। देखो ये आपका लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो अभी क्या हो रहा है कि देखो ये जो लेफ्ट है ना, जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर उल्टा इधर चला गया, यहाँ पे हो गया हमारा लेफ्ट साइड सेंटर साइड और
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं कि सभी को हम लेफ्ट ही रख देते हैं, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट रहेगा, राइट ना करके, तो यहाँ पे तीनों फ्लोट लेफ्ट। अब यहाँ पे हम लोग चेक करें तो ये हमारा लेफ्ट सेंटर और राइट, राइट इसलिए नीचे गिर गया क्योंकि देखो तीनों में हमने एक एक बॉर्डर लगाया है। तो उसको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 59 कर सकते हैं या फिर बॉक्स बॉर्डर करेंगे तो भी हो जाएगा, अभी हम उधर नहीं जाना चाहते हैं फिलहाल। 59 करेंगे सेंटर को तो एक पीस कम होगा और ये ऑटोमेटिकली इधर ले लिया, ठीक है। टेक्स्ट हमारा जो है वो टेक्स्ट लाइन राइट करके हम लोग इसमें ले सकते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे राइट में है टेक्स्ट लाइन राइट, ये अच्छा वो सेंटर पे नहीं, टेक्स्ट लाइन राइट एक्चुअली, हाँ एक्चुअली नाम यहाँ पे हमारा सेंटर साइड ये गलत लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट सेंटर ये होगा सेंटर इसमें, इसीलिए वो कन्फ्यूजन हो जा रहा है वहाँ। इसका नेम होगा सेंटर, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही हुआ, सभी मैंने फ्लोट लेफ्ट ही लगा दिया, फ्लोट लेफ्ट 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 तीनों में, और इसमें 20 20 60 और ये बॉर्डर की वजह से हमने इतना लगाया। और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो लेफ्ट सेंटर साइड दोनों में हो गया क्या, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड सेंटर साइड और राइट साइड, यार सॉरी ये राइट साइड, लेफ्ट राइट सेंटर राइट ये वाला, लेफ्ट राइट और सेंटर, ठीक है, लेफ्ट राइट और यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट ऐसे होगा, ये सेंटर बीच में है ना इसलिए, ठीक है, लेफ्ट सेंटर और राइट। तो क्या किया हमने, यहाँ पे तीनों को हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, तो ये पहले लेफ्ट है फिर सेंटर है फिर राइट है, लेफ्ट है सेंटर है राइट है। क्या किया हमने फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया, ये कंटेनर है हमारा, ये हो गया, इसमें 20% लिया, ये बॉर्डर वन लगा दिया, फिर राइट ले लिया यहाँ पे 20%, फिर 59% यहाँ लिया। और अब ये चलो ठीक है, यहाँ पर अभी जब हम लोग इसको, हम क्या चाहते हैं कि जब इसकी साइज हम लोग की ऐसे हो यहाँ पर, तो देखो ये कैसे बिगड़ जा रहा है। अगर मोबाइल की साइज है हमारी यहाँ पे तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आने के बाद देखो ये कैसे, मतलब एकदम से अनरीडेबल है, इसको पढ़ने लायक है, देखिए पूरी डिजाइन आपकी बिगड़ जाती है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ तक तो डेस्कटॉप तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे ये साइज में आए, 600 के साइज में आए, तो क्या होगा कि वो एक के बाद एक नीचे आएगा, पहले लेफ्ट पूरे में मतलब 100% हो जाएगा तीनों, ठीक है, हम ऐसा चाहते हैं। तब क्या करेंगे ये जगह पे हम लोग कि वही फिर मीडिया क्वेरी हम लोग ओपन करते हैं वापस, इसको जो हम पहले से लिखा था, जिसमें अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पिछला वीडियो एक बार हमारा पार्ट वन को जरूर देखें मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पे फिर क्या किया हमने कि जब मिनिमम जब साइज जो है वो 720 होगा, ऐसे केस में क्या होगा हमारा यहाँ पर कि लेफ्ट राइट और सेंटर ये तीनों को यहाँ पे हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट और सेंटर तीनों यहाँ पे हमारा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि सिर्फ सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी तो ऊपर आ चुकी है, हम लोग को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फिर सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग, ये बॉर्डर हटा देते हैं, चलो ठीक है बॉर्डर ठीक है सब कुछ रहने देते हैं फिलहाल। हम लोग यहाँ जो मेन जो चीज़ करने जा रहे हैं वो ये है कि विड्थ हम लोग यहाँ कर देंगे 100%, ठीक है, तीनों का 100%, ये हो गया 100%। और अब देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, देखो ये इस तरह से आ गया, ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा देखो ऑटोमेटिकली ये हो गया। अब जैसे यहां से साइज आया
ये इस तरह से हो गया, ठीक है। मोबाइल बी में अब नीचे तक भी, जब तक ये यहाँ तक है, तो इससे जो इतना बड़ा तो नहीं होता है। देखो ये छोटा से छोटा मोबाइल में भी ये लेफ्ट सेंटर और राइट चलेगा, और ये जैसे ही बड़ा स्क्रीन में आ जाएगा उसके बाद में ये तीनों कॉलम में बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए, अगर और आपको मतलब दो ही कॉलम का हो और आप चाहते हैं कि नहीं चलो टैबलेट में हमारा इतना रहे, तो क्या करेंगे, परसेंटेज को आप कम कर देंगे वैसे केस में। लेकिन यहाँ पर अगर तीन बॉक्स आपका है, नॉर्मली होता है ना कि देखो तीन बॉक्स होता है, एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, तीन बॉक्स है, ये तीनों बॉक्स को हमने बना तो दिया, पता चला कि जब मोबाइल में जा रहे हैं तो खराब हो जा रहा है, तो मोबाइल के रिसाइज में आप इसको यूजफुल कर सकते हैं। देखो टेक्निक इसमें एकदम सीधा है, क्या किया हमने यहाँ पर देखो, फिर उसी तरह से अगर 400 में कुछ और करना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक एक ही से काम हमारा हो गया, ठीक है। तो हमने किया क्या कि शुरुआत में सबको फ्लोट लगाया, विड्थ लगाया परसेंटेज में। अगर देखो एक चीज और बता रहा हूँ, 59 ये दिया इसलिए क्योंकि बॉर्डर अगर हम लोग हटा दें, बॉर्डर की जगह पे अगर हम लोग बैकग्राउंड रख दें, से बैकग्राउंड, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर तो एक एक लगा ना, इसलिए बैकग्राउंड ग्रीन यहाँ पे कर दें या बैकग्राउंड ब्लू, इसका बैकग्राउंड येलो और इसका बैकग्राउंड ऑरेंज, तो यहाँ पे हम 60% भी देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा ये सेमी कॉलन छोटा है इसमें, ये यहाँ पे सेंटर राइट, यहाँ भी सेमी कॉलन छूट गया, सेमी कॉलन छूट गया। तो अब हम लोग देखें, अगर तो देखिए है ना, आपका 60% में भी है यहाँ दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉर्डर की वजह से हो रहा है भाई। तो इस तरीके से अगर फिर यहाँ पे ऐसे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो आ जा रहा है ना। बॉक्स की कुछ साइज देनी हो आपको तो आप एक हाइट भी मिनिमम दे सकते हैं, मीन हाइट 400px, मतलब फॉर्मूला सीधा है, लॉजिक ये है कि मीडिया क्वेरी के थ्रू आप अलग अलग जगहों पे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब ये इफ कंडीशन का प्रोग्रामिंग आप जानते हैं, तो आपको इफ कंडीशन जैसे लगाते हैं, देखो ये इस तरह से बॉक्स आ गया, तीन बड़ा किया ऐसे आया, और इसको छोटा करेंगे तो एक के बाद एक आएगा ऐसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली समझता हूँ और जानता हूँ कि इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है। तो आप होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।